गाइस अभी जो है इनके लिए वो ड्रॉप्स वगैरह लाने, और मैं अभी जा रहा हूँ उनके लिए ड्रॉप्स वगैरह लेने, और इनकी इसके आँख में डाल के ना देखते हैं यार, क्योंकि सही हो जाए, वरना सही नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा। क्लोराइड क्योंकि वो नहीं था तो मैंने ये ले लिया मेडिकल स्टोर ने बोला ये भी आप आँखों की वजह से आँखों के मामलों के लिए अच्छा होता है, तो ये इस्तेमाल करके देखते हैं। हेलो जी लोग, तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ यार, क्योंकि यार एक मसला आ गया था, जो मेरे ये बटेर हैं मैंने इनको बाहर छोड़ दिया है, तो इसमें से ना एक बटेर गाइस ये जो है ना ये थोड़ा बीमार हो चुका है। ये देखें इसकी आइस में थोड़ा मसला हो गया, ये देख रहे हैं ये वाली आइस भी ख़राब है, और उसकी ये वाली भी ख़राब है, तो मतलब जो है ना ये ना खा रहा है ना पी रहा है। मैंने इसको बाहर छोड़ा है, थोड़ा बहुत जो ना खेले इनके साथ, मतलब पहले मेरे पास चार हुआ करते थे ना बटेर, तो वो भी इन्हीं आँखों की बीमारी की वजह से ना वो भी मर गया था, अभी तीन बचे हुए हैं। तो गाइज इनकी केयर करना ना बड़ी बात होती है, क्योंकि ये जो बंदा, मैं तो यार इनकी केयर करना छोड़ दिया है, क्योंकि यार वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ ना मैं, मसरूफियात में, कंपनी के चक्करों में ये वो, और काफ़ी ज़्यादा अभी व्लॉग्स भी कर रहा हूँ, कभी टाइम मिल रहा है तो इनको मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा ना, तो क्योंकि अभी पाल लिए हैं तो अभी इनको टाइम तो देना पड़ेगा। तो अभी जो है इसके लिए मैं एक आई ड्रॉप लेके आऊँगा, जो कि यार सर्दी ख़त्म होती है ना, तो मैंने सुना है इनका एक सीज़न होता है, जो कोई सीज़न सर्दी या गर्मी का कोई सीज़न खराब मतलब ख़त्म होने वाला होता है, तो इनके अंदर आइस ख़राब होने का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस एक बटर के अंदर ना वो प्रॉब्लम आ चुका है सामने, वो देख रहे हो ना, वो कुछ खा रहा है ना वो कुछ पी रहा है, तो उसके लिए भी मैं रेडी शेडी होके अभी बाहर जाऊंगा, और इसके लिए कोई अच्छा सा आई ड्रॉप्स जो है लेके, और इस पर इनके आँखों पे जो है अप्लाई करूंगा, ताकि जो है ठीक हो जाए। तो अभी अभी भी उठा था तो तीन चार दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही थी, और मतलब जो है ना चार बटेरों में से वो चौथा वाला जो था वो भी इसी प्रॉब्लम की वजह से जो है उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी जो है नाश्ता वाश्ता करके मैं इनके लिए बाहर से ड्रॉप लेके आऊँगा, और इनकी भी थोड़ी केयर करूँ यार, क्योंकि यार मैं इनकी बिल्कुल केयर नहीं कर रहा। देखो जो अब लाया हूँ तो अब इनको केयर भी करनी पड़ेगी और पालने भी पड़ेगी, इनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ना, क्योंकि यार ये फिर जो है ना ये भी यार जानदार चीज़ है, बर्ड्स हैं, मतलब प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं, अब इनका भी ख्याल करना पड़ेगा ना। तो मैं भी आज इनको टाइम दूंगा, आज कोई व्लॉग वगैरह नहीं, बाहर जाने का कोई व्लॉग नहीं बना रहा, कहीं दूसरी जगह है, कोई प्लान था मेरा थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा यार नहीं यार इनको भी करना, क्योंकि यार ये भी ये जानदार चीज़ें हैं ना, कल को ये बदवा देंगे यार पाल रहा है तो हमें हमारी केयर नहीं कर रहा, बात तो सही है, तो आज इनको भी टाइम देंगे। तो नाश्ता वाश्ता करके और जो है फिर इनके लिए ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, और इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएंगे। तो व्लॉग को भी यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट, सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया रेडी, और नाश्ते को करते हैं स्टार्ट। तो यार गुलाब का पानी डाल देते हैं इनके आंखों में फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आंखें जब जो है ना साफ होंगी तो उसके बाद मैं इनके लिए एक और ड्रॉप लाऊंगा, जो कि इनके आंखों पे बिल्कुल जो है क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले ये वाले डालते हैं, क्योंकि इनकी आंखों को फर्स्ट ऑफ ऑल साफ़ करना है, उसके बाद इनका दूसरा वाला जो है ड्रॉप इनके लिए लाऊँगा मैं। इसको आराम से डालना पड़ेगा एक एक आँख में यार, लेकिन आँखें बंद कर रही है। हाँ डल गया डल गया डल गया डल गया भाई डल गया। बे यार आँख तो खोल मेरे भाई, आँख खोल। एक डलिया। इसके बाद जो है मैं एक और ड्रॉप लाऊंगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकी आंखें वगैरह साफ़ हो जाएं, क्योंकि मैंने डाल दिए आंख वगैरह साफ़ हो जाएगी, उसके बाद एक और ड्रॉप लाऊंगा आइज़ वाला, जो कि इंशाल्लाह ये सही हो जाएंगी उसकी आंखें। तो अभी मैं फ्रेश होकर फिर इनके लिए दूसरा वाला ड्रॉप लाता हूँ। गाइस अभी जो है इनके लिए वो ड्रॉप्स वगैरह लाने, और मैं अभी जा रहा हूँ उनके लिए ड्रॉप्स वगैरह लेने, और इनकी इसके आँख में डाल के ना देखते हैं यार, क्योंकि सही हो जाए, वरना सही नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा। तो जल्दी से इनके लिए ड्रॉप्स लेके आते हैं। तो खुल जा सिम सिम भैया, मेथा क्लोराइड आई ड्रॉप ए। गाइस मैं जो है जनरल स्टोर से ये लेके आ गया हूँ जेंटिसन और जेंटामाइसिन, ये है, ये भी मतलब आँख ख़राब होने का ये ड्रॉप वगैरह दिया हुआ है, और मैंने इनसे पहले मांगा था वो वाला
मेथा क्लोराइड क्योंकि वो नहीं था तो मैंने ये ले लिया। मेडिकल स्टोर ने बोला ये भी आप आंखों की वजह से आंखों के मामलात के लिए अच्छा होता है तो ये इस्तेमाल करके देखते हैं। कौन सा था? मेरे ख्याल से ये वाली थी। हाँ ये वाला था, इसकी आंखें ना बंद हो रही हैं बार बार। एक सेकंड, अबे रुक जा भाई रुक जा। नहीं डाला मेरे ख्याल से। हाँ डाल लिया। ये वाली आँख, ये आँख इसकी ऐसी लग रही है जैसे चिपकी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है, खोल नहीं रहा। खोल भाई, ड्रॉप डालने दे फिर बंद कर दे। ये ज़्यादा ना इसकी चिपकी हुई है आँख। हाँ डल गया। चलो एक एक ड्रॉप डाल देते हैं फिलहाल के लिए, अगर फिर इशू आएगा तो फिर दोबारा डाल देंगे, क्योंकि अभी ना फिर दोबारा रात में डाल देंगे इसको। तो अभी ये इसको आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यार दोनों आँखों में तकरीबन डल चुका है। सही है भाई सही। अभी जाओ अंदर, जाओ भाई अंदर जाओ। अभी इनको मस्ती लग रही है बाहर आने की, खामा खा की। चलो भाई चलो, हो गया। तो गाइस मैंने जो है आइस में उनके ड्रॉप वगैरह डाल दिए है, और मतलब यार ये चीज़ें ऐसी होती है ना, मुझे अम्मी वगैरह कह रही थी कि तुम ब्लॉग बना रहे हो टाइम नहीं दे रहे, तो ये किसी और को दे दो ताकि वो लोग इनको पालें, और तुमसे नहीं हो रहा, मुझसे वाकई में भी नहीं हो रहा गाइस, क्योंकि वो परिंदे हैं ना। मैं अभी देखो काफ़ी सारे काम होते हैं मुझे, ब्लॉगिंग ये एडिटिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं उनका ख्याल नहीं रख पाता। तो मेरे घर वाले कह रहे हैं कि किसी और को दे दो, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या करूँ, लेकिन यार मुझे अच्छे भी लग रहे हैं घर में बैठे होते हैं, उनका आवाज़ें वगैरह करते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो अब मेरा दिल नहीं करता किसी और को दे दूँ। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो परिंदे हैं यार, उनकी आ ना लग जाए, बदवा ना लग जाए उनकी। तो गाइस अभी मैं इनका भी केयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बटेर को खाली जो है ना आइस की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे नहीं तो दो जो और हैं उनको भी ना लग जाए ये प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि उनका थोड़ा बहुत अभी डेली जो है ख्याल करूँगा, और डेली इनके आँखों में ड्रॉप्स वगैरह डालूँगा। जब तक इनकी आँखें ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं इनका जो है ख्याल वगैरह रखूँगा। और अभी जो है गाइज मुझे लेके जाना है अम्मी को कहीं रिश्तेदारों के यहाँ, और ब्लॉग को भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो। तो गाइज़ अभी जो है मैं ब्लॉग को यहाँ पे करता हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।